अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल जी यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज हम बात करने वाले हैं की वार रिसर्च के बारे में। हमने उन भेजा सी एम रिसर्च कर ली थी, मतलब हमने माइक्रोनिक फाइंड की थी। तो आपने जो भी फाइंड किए वो आपने नीच अपना अपना नेम की नीच या अपनी वेबसाइट आपने किसी को बतानी नहीं होती। वजह बहुत क्या है, अगर आपने मिसाल है आपने नेक्स्ट टेबल की नीच फाइंड की है, दूसरे को नीच मिल नहीं रही, तो आपको लो कंपटीशन की नीच मिली है तो वो भी आपकी सेम चोरी कर लेगा। वो अगर एक्सपर्ट है या वो मिसाल एडवांस लेवल पे है वो आपकी नीच चोरी करके आपके कंपटीशन के साथ मतलब आपके साथ मुकाबला करेगा, वो आपसे रैंक कर जाएगा, क्या फ़ायदा। तो आपने अपनी नीच किसी को नहीं बतानी होती, लेकिन आप अगर यूट्यूब पे हैं या किसी को सिखा रहे हैं तो वो अलग बात है। वो तो कोई आपको रैंक कर रहे तो आपने जस्ट आपने सिखाना है। तो मैं आप सिखाने की नीयत से मैं अपनी नीच मतलब मैंने जो नीच फाइंड की है, मैंने जो डोमेन फाइंड की है वो मैं आज आपके सामने शो करने लगा हूँ। मेरी डोमेन .com है फर्नीचर के हवाले से। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कीवर्ड रिसर्च। तो हमने कीवर्ड रिसर्च करना कैसे करना है, तो पहले हम बात करके कीवर्ड रिसर्च होती क्या है, कीवर्ड क्या होता है वो हम पहले बात करते हैं। और मेरी डिमांड है मतलब मैं टाइप करता हूँ फर्नीचर है, मेरी फर्नीचर नीच, अब इसके अंदर कीवर्ड क्या आएंगे, मिसाल दे रहा लोग फर्नीचर के बारे में क्या सर्च करते हैं, लोग सर्च करते हैं फर्नीचर स्टोर सर्च कर रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर गूगल मुझे सजेस्ट कर रहा है। यहाँ से मैं एक एक्सटेंशन में आपको बताऊंगा, ये लोग सर्च कर रहे हैं बेडरूम सर्च कर रहे हैं, बेडरूम फर्नीचर सर्च कर रहे हैं, फर्नीचर बेडरूम, इस तरह के लोग सर्च कर रहे हैं। ये देख लें इंटरवुड फर्नीचर हो गया, फर्नीचर ऑनलाइन, इंटरवुड फर्नीचर, फर्नीचर स्टोर लाहौर, मतलब ये लोग सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन दुनिया में या गूगल पे। तो हमने ये ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जो हमें हमारी वेबसाइट के लिहाज से काम है, मतलब उनमें कंपटीशन लो हो, जैसे मैंने आपको कंपटीशन बताया, मतलब उनकी डिमांड हो, मतलब वो उनके आर्टिकल ना लिखे हो, वो मार्केट में कम हो, हमने वो कीवर्ड फाइंड करना, उसको कीवर्ड बोले। मतलब मैंने ये फर्नीचर टाइप किया, ये मेरा कीवर्ड है, मैं फर्नीचर के रिलेटेड मालूम लेना चाहता हूँ, मतलब मैं फर्नीचर के रिलेटेड पढ़ना चाहता हूँ या कुछ ख़रीदना चाहता हूँ, तो इस तरह से हमने कीवर्ड फाइंड करने हैं। कीवर्ड की भी किस्में होती हैं, कीवर्ड की चार किस्में हैं, तो उन किस्मों की हम बात कल करेंगे, मतलब अगली वीडियो में। तो आज हम मिसाल ले लेते हैं कि हमने कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं। कीवर्ड फाइंड करने के तरीके बहुत से हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका मतलब कोई उनमें से एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको बेसिक SEO सिखाऊंगा, एडवांस की तरफ आपने खुद जाना है, मैं आपको ये बेसिक कोर्स करवा के मैं एडवांस लेवल की वीडियो लाता रहूँगा। मतलब जैसे मैं काम करता हूँ अपना इस टाइम, तो मैं आपके लिए वीडियो इस तरह की लाता रहूँगा इस चैनल पे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरा चैनल एक डेड हुआ हुआ, मतलब जिस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस चैनल पर सब्सक्राइब लगी हुई है मुझे 2, 3 सब्सक्राइब का कोई पता नहीं। तो ये मेरा दूसरा चैनल है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा फिलहाल। इस लर्न विद बिलाल इलियास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये चैनल लर्न विद बिलाल इलियास, ये ही लोगो है सेम। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मेरी अगर ये चैनल मेरा उड़ गया बिलाल इलियास वाला तो इस पर वीडियो आएगी, वरना मैं दोनों चैनल आज तक चलान करूँगा। ज़्यादा फोकस फिर इस चैनल पर ही होगा बिलाल इलियास वाले पर, अगर इस पर सब्सक्राइब रिमूव हो जाती हैं तो या 30 दिन सब्सक्राइब नहीं आती, क्योंकि मेरा ये चैनल है वो तो मुझे सब्सक्राइब लग गई थी। तो खैर आज हम बात करने वाले थे कीवर्ड की। कीवर्ड की मैंने आपको बताया कि चार किस्म होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कीवर्ड टाइप, कीवर्ड टाइप इन SEO, ठीक है। आपको गूगल से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी SEO के रिलेटेड, तो आपने वो देखते रहना, सर्च करते रहना। कीवर्ड मैंने जैसे आपको बताया कि कीवर्ड चार किस्म के होते हैं, ये देखिए। पहला है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड वो होते हैं कि हम जैसे गूगल के सवाल कहते हैं व्हाट, हाउ, हाउ, वैसे इस तरह के हम सवाल करते हैं गूगल से। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ,
हाउ मैनी टाइप ऑफ एस टी ओ, हाउ टू डू के वर्ड के साथ, या मैं अब वर्ड लिखता हूँ, वर्ड डू टेक्नोलॉजी जॉब से, वर्ट इज एस टी ओ, वर्ट इज की वर्ड, वर्ट डज एस टी ओ स्टैंड फॉर, वर्ट इज ऑन पेज एस टी ओ, वर्ट इज की वर्ड सर, मतलब जो हम सवाल करते हैं गूगल से वो होते हैं इंफॉर्मेशनल की वर्ड। उम्मीद है आपकी ये चीज़ समझ लाकी होगी। इंफॉर्मेशनल की वर्ड उसको कहते हैं जो हम गूगल से सवाल करें या ले लें। सर्च इज लुकिंग फॉर एन आंसर टू आ स्पेसिफिक क्वेश्चन और जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब हम वो गूगल से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमने किसी इन्फॉर्मेशन है जो सवाल ही करते हैं ना, वो हमें उसका जवाब देते हैं, हम कहते हैं हमने इन्फॉर्मेशन ली है। आगे है नेविगेशनल की वर्ड। नेविगेशनल की वर्ड वो होता है कि हमने स्पेसिफिक साइट या पेज हमने फाइंड कर, मतलब मैंने लिखा ना नेस्टिंग टेबल, मेरे पास सेम नेस्टिंग टेबल की वेबसाइट आ जाएगी, मैं मतलब मैं लिखता हूँ एस सी ओ, मेरे पास रिलेटेड एस सी ओ के रिलेटेड आएंगे, मतलब लोग आएंगे या उनकी चीज़ें आएंगी मेरे सामने या उनकी टाइप्स आएंगी। मैं उनसे सवाल नहीं कर रहा, मैं उनसे सिर्फ एक किस्म की नेविगेशन की बार, मैं उनसे एक किस्म का सीखना चाह रहा हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट उनके पेज पर, डायरेक्ट उनकी साइट पर जाना चाह रहा हूँ। इसी तरह होता है कमर्शियल की वर्ड। कमर्शियल की वर्ड वो होता है कि ये देख रहे सर्च इज लुकिंग टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड और सर्विस। ये वो होता कि हमने टाइप किया ना कमर्शियल की वर्ड कोई भी, ये वो होता कि डायरेक्ट हम ब्रांड को सर्च करते हैं। ब्रांड मतलब हम टाइप करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये डायरेक्ट हम ब्रांड की तरफ जाना चाह रहे हैं ना कि हम किसी और वेबसाइट को चलाते हैं। हम ये सर्च करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हम डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, डायरेक्ट वो चला लेते हैं, हम किसी और वेबसाइट पर उनकी इन्फॉर्मेशन तकरीबन नहीं लेने जाते, ज़्यादा सारा ऐसा है। इसको कमर्शियल की वर्ड बोलते हैं। आगे ट्रांजिशनल की वर्ड, ये वो होता है कि हम कोई चीज़ परचेज करनी हो, जैसे अमेजोन हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, या फिर लेट वेबसाइट होती है, मतलब किसी वेबसाइट पर वो किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहा है, तो हम टाइप करते हैं बेस्ट, मतलब बेस्ट एस सी ओ, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ कोई प्रोडक्ट है, टीवी लगा लो या लैपटॉप लगा लो, बेस्ट लैपटॉप, और मैंने बेस्ट लैपटॉप लिखा है तो वो मुझे ब्रांड मतलब दिखा देगा लैपटॉप के रिलेटेड कि आप ये लैपटॉप बाय कर लें, आप ये बाय कर रहे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, उसको ट्रांजेक्शनल की बात बोलो। ये इसकी चार टाइप्स हैं। अगर आपने ये वेबसाइट फाइंड की है ना, मतलब जो आपने वेबसाइट नीच फाइंड की, वो अगर आपकी प्रोडक्ट वाली वेबसाइट है, तो आपको चाहिए ज़्यादा आपने ये फाइंड करना है ट्रांजेक्शनल की वर्ड, आपने ज़्यादा ये की वर्ड यूज करना है। अगर आपकी वेबसाइट वैसे ब्लॉगिंग के लिए है, तो आप ये नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल या कमर्शियल, आप तीनों में से यूज कर सकते हैं, कोई भी आपका दिल चाहे। लेकिन आपने स्पेसिफिक एक चीज़ रखनी है, उस चीज़ की आप लिहाज से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो खैर मेरी जो वेबसाइट है वो फर्नीचर है, मैंने ब्रांड नेम लिया हुआ है वेबसाइट का। डोमेन की भी तीन किस्म होती है, दो किस्म होती हैं, एक पर्सनल मेन डोमेन, एक और डोमेन का नाम होता है। तो मैंने ये ब्रांड नेम डोमेन ली है HYFurniture.com, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मैंने इस पर एक बार लिखा हुआ है, वो मैं आपको बाकायदा बताऊंगा कि आपने क्या लिखना है। आपने वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल कर लेना, वो तरीका मैं आपको कभी कोई वीडियो में ले आऊँगा, जब मैं डोमेन बाय करूँगा वो मुकम्मल मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। लेकिन मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया था आपने डोमेन कैसे बाय करनी, या आपने फ्री का ब्लॉग कैसे बनाना। फ्री के ब्लॉग में ये वर्डप्रेस वाला नहीं होता, उसमें और कोई चीज़ डैशबोर्ड होता है, वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया ना मैंने कभी इस पर काम किया। तो बहरहाल मेरे पास ये पेड डोमेन है, इसके अंदर अगर आपने पेड डोमेन पर काम करना है तो बहुत अच्छा है, इस पर बहुत ज़्यादा जल्दी आपको कामयाबी मिलती है अगर आप अच्छे नीयत से काम करें तो। आपने ये डैशबोर्ड पे आ जाना, आपने आना अपीयरेंस में, हमारा सबसे पहला जो काम है थीम का, आपने थीम सेलेक्ट करना, कौन सा मेरा जी लगा वो जनरेट प्रेस, ये एस सी ओ का सबसे मतलब एस सी ओ टाइप का थीम है जनरेट प्रेस, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब ज़्यादा जल्दी वर्क करता है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। ये मैंने एक्टिवेट किया, वो जहाँ पे आप न्यू करें, यहाँ पे आप टाइप करें जनरेट प्रेस, यहाँ पे आप टाइप करें, आपने सर्च नहीं करना, जस्ट आप टाइप करें तो आपके पास रिजल्ट शो होने लग जाएंगे। ये आगे जनरेट प्रेस आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है, एक्टिवेट करने के बाद इस तरह का आपके पास थीम आ जाएगा। इसकी कुछ सेटिंग होती है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ बताता जाऊँगा। तो बहरहाल हमारी जो मेन
की वर्ड है हमारा जो फर्नीचर है, हमने उसके रिलेटेड हमने की वर्ड फाइंड करने हैं। मैंने ये यहाँ पे फर्नीचर टाइप कर रही है। ठीक है, दो एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की, वो एक है कीवर्ड सर्वर, ये है कीवर्ड एवरीवेयर और दूसरा कीवर्ड सर्वर। आपने इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है, इनको पिन कर लेना है यहाँ पे। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये कीवर्ड सर्वर का आ गया, ये कीवर्ड सर्वर है, ये कीवर्ड एवरीवेयर है। आपने दोनों को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब मैंने फर्नीचर टाइप किया तो मुझे ये सजेशन कर रहा है, आपने कोशिश करनी है कि आपके कीवर्ड लॉन्ग टेल की वर्ड, मतलब ये है ना फर्नीचर, ये लॉन्ग टेल की वर्ड नहीं, खाली एक की वर्ड है, मतलब एक लफ्ज है। आपने लॉन्ग टेल की वर्ड फाइंड करना है, वो आपने कैसे करना है, अब आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे ये आपको सजेशन कर रहा होता है, ये आपके लोकेशन के लिए आते होता है। तो यहाँ से आप कोशिश करें गूगल USA चलाएं, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। मैंने आपको USA का बताया था, आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने लिया होता है मतलब आपने किस कंट्री को टारगेट करने, आपने वेबसाइट बनानी है। तो मैं हमेशा USA को ही टारगेट करता हूँ। ये फर्नीचर लिखने के बाद ये मुझे कई बार सर पर आइडिया दे रहा है। ये देखिए, फर्नीचर लिविंग रूम फर्नीचर फॉर लिविंग रूम, ये थोड़ा सा लॉन्ग टेल की वर्ड है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये सर्च रिजल्ट आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सर्च वाले कितना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये मैंने दोनों फ्रेंड्स ने बताया तो आपको इस लिया तो ये यहाँ पे सर्च वॉल्यूम शो करेगा। ये यहाँ पे देख ले, 25 मिलियन सर्च वॉल्यूम। और इसकी डोमेन अथॉरिटी मैंने आपको बताया तो मेन अथॉरिटी वेबसाइट की पावर होती है, इसका 86 है, बहुत ज़्यादा है। टेंथ कोर एक, इसको एक बार इग्नोर करें, वो आपको बाद में बताऊंगा। इसका जो सर्च वॉल्यूम देखें यहाँ पे 16 करोड़, ये देखें बहुत ज़्यादा हैवी वेबसाइट यहाँ पे, ये इनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी हाई है, तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे और देख लें, फर्नीचर चेयर फॉर लिविंग रूम, अच्छा तो ये देखे कीवर्ड लॉन्ग हो रहे हैं, तो ये ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। फर्नीचर लेआउट फॉर लिविंग रूम, हम इसको टाइप करते हैं, इसको देखा, इन पर हम चेक कर रहे हैं। ये देखें ट्रैफिक मंथली कितनी आ रही, 3 मिलियन, इसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा था, 0। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे वेबसाइट बहुत हाई वेबसाइट, हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, हम इस पर भी काम नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टेल की वर्ड जैसे जैसे आपको मिले हैं तो आपने टाइप करते जाना है, आपको उनको सर्च करते जाना है। 390, ये कुछ अच्छा है, तो मैं इसको देखता हूँ इस लिहाज से, ये 21 है, ये सर्च वॉल्यूम कुछ लोग है। अगर आपके सर्च रिजल्ट में 10 वेबसाइट होती है ना, 10 वेबसाइट आपकी कंप्यूटर कहलाती हैं, कंप्यूटर के वो आपके मुकाबले में होती हैं, आपने ये आपकी वर्ड आपने फाइंड की है, लॉन्ग टेल की वर्ड आपका निकल आया, अच्छा निकल आया। अब आपने ये देखना इनका सर्च वॉल्यूम, इनका सर्च वॉल्यूम आप लाखों में है। ये पिंटरेस्ट बिल्डर वेबसाइट है, इसको आप इग्नोर करेंगे, ये नीचे दूसरी वेबसाइट है, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, 1,25,000। आपने सर्च वॉल्यूम कोशिश करना हज़ारों में हो, लाखों में ना हो, हज़ारों में सर्च वॉल्यूम हो गया तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। दूसरी वेबसाइट देखें, ये न्यू वेबसाइट बनी हुई है, इसको आप ओपन कर लें, ये न्यू वेबसाइट है, इसको भी आप ओपन कर लें। इनका सर्च वॉल्यूम कम है, इनकी डोमेन अथॉरिटी भी लो है, तो मतलब ये हमारे लिए कीवर्ड कोई फ़ायदेमंद है, मतलब 3-4 वेबसाइट हैं गए तो हम भी कर सकते हैं। तो आपने इस कीवर्ड को पिक कर लेना है, 3 वेबसाइट रहेंगे, चौथी ये है, ये भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, हाई अथॉरिटी, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये 3 मिलियन है, इसको भी आपने इग्नोर। कितनी वेबसाइट निकल आई, 4 वेबसाइट निकल आए, मतलब 10 में से 4 वेबसाइट निकल आए, तो हम भी काम कर रहे हैं। इनका कंटेंट तकरीबन इतना अच्छा खास नहीं बना हुआ, वेबसाइट डिज़ाइन इतनी खास नहीं हुई, तकरीबन सही है। फिर देखें ये अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, तो आपने इन अच्छा कंटेंट लिखना है तो आप रैंक होगी। अगर आपकी ये कंप्यूटर वेबसाइट लो भी हैं, मतलब वो ट्रैफिक कम भी ले रही हैं या वो रैंक भी हैं, अगर आपको कंटेंट इतना अच्छा नहीं होगा तो आप फिर भी रैंक नहीं करेंगे। आपने सबसे पहले अपना कंटेंट अच्छा लिखना, अपना ब्लॉग अच्छा लिखना, ये भी अच्छी वेबसाइट बनी हुई। तो हमारे पास एक किस्म का ये कीवर्ड निकल आया, आपने इसको टाइप करना है, इसको कॉपी करना है। यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी भी बता रहा है, कुछ कर उसकी डिफ़िकल्टी 10 से कम हो, ये 51 है, कुछ कर डिफ़िकल्टी 10 से
हो। उसके लिए आपको टूल मिलते हैं, टूल पेड। एक टूल है Ahrefs, दूसरा मोज है, तीसरा समरिश है, और मुख्तलिफ सारे टूल हैं, उबर से जाता है, लेकिन वो पेड टूल हैं। वो बिगिनर के लिए तकरीबन रेंज से बाहर होते हैं, 1,000-1,500-2,000। जो अफोर्ड कर सकते थे वो ले, बहुत ज़्यादा बेहतर है, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है। लेकिन मैंने आपको जो बताया, मैं आपको फ्री से काम सारा करूँगा, तो आप फ्री से ही करें फिलहाल। जब आप कुछ करने लग जाएं, मतलब आप प्रैक्टिकल अगली बार करें, तो आप पे टू ले लीजिएगा, अपना आप बेसिक काम चला लीजिएगा। तो ये एक सिंपल सी वीडियो थी रिसर्चिंग के हवाले से। तो एक और वीडियो मेरी आएगी कीवर्ड रिसर्चिंग के हवाले से, उसमें हम प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अगली टेक्निक है KGR, कीवर्ड गोल्डन रेशियो, उसका भी मैं आपको आइडिया दूंगा, और उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट हाई अथॉरिटी वेबसाइट होती है ना, तो आप कीवर्ड गोल्डन रेशियो टेक्निक अप्लाई करें। तो सारे इसमें ब्लॉगर हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, मेरे उस्ताद जैसे हैं, क्योंकि तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा है। वो कहते हैं कि अगर आप KGR टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो आपकी वेबसाइट विदिन 24 से 48 घंटों में या 72 घंटों में आपकी वेबसाइट कई बार रैंक हो जाती है। तो कई बार गोल्डन रेशियो की इतनी वैल्यू है या उसका इतना अच्छा है, तो हम उस पर भी काम करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने कैसे करना है। अब आपने ये कीवर्ड फाइंड की, आप इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखते हैं, आप इस कीवर्ड को पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे, उसके बाद ये आप ये ना देखने लग जाए कि मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है कि नहीं हो रही। आपको इस कीवर्ड पे मतलब 2 या 3 से 4 मंथ लग सकते हैं, 4 महीने, उसके बाद आपकी वेबसाइट रैंक होना शुरू होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक है, और तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक है, तो आप मुझसे या इंस्टाग्राम पर पर्सनली पूछें, या ग्रुप में आप पोस्ट कर दें, तो आप मुझे टैग करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।